ઓફ વડોદરા। सीआईएसएफ અને એરપોર્ટ ઓથોરિટી દ્વારા હરણી ખાતે સ્વચ્છતા હી સેવા કાર્યક્રમ અંતર્ગત સ્વચ્છતા અભિયાનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। 2 ઓક્ટોબર એટલે મહાત્મા ગાંધી જન્મ જયંતિ આખા દેશમાં મનાવવામાં આવે છે, ત્યારે આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા આહ્વાન કરવામાં આવ્યું હતું કે 1 તારીખે 1 કલાક મંત્ર સાથે સ્વચ્છતા શ્રમદાનના કાર્યક્રમ યોજાય। તો તેને લઈને સીઆઈએસએફ અને એરપોર્ટ ઓથોરિટી દ્વારા હરણી તળાવ ખાતે સ્વચ્છતા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। पालिका द्वारा बाग बनावामां आव्यो हतो, तेमां पण साफ सफाई करवामां आवी हती। 50 थी वधु सीआईएसएफ ना जवानो महिला जवानो पण जोड़ाया हता। जी सर, आज स्वच्छ भारत अभियान के उपलक्ष्य में हमारे सीआईएसएफ की जो यूनिट है ये हरनी पार्क एरिया में आई है। वहाँ पे हम लोगों ने एक डॉक्टर साहब को भी आमंत्रित किया है, जिन्होंने हेल्थ और सैनिटेशन के नाम पे बहुत ही प्रभावी ढंग से हमारे जवानों को जागृत किया। और हमारे जवान अभी जा कर के पूरे पार्क एरिया को पूरी तरह से सफाई, जो अभियान है हमारे प्रधानमंत्री महोदय का, उसको हम लोग पूरी तरह से बखूबी निभाएंगे और इस देश को स्वच्छ और समृद्ध बनाने में एक सफल योगदान देंगे। और सीआईएसएफ बढ़ चढ़ के इसमें हमेशा हिस्सा लेता रहेगा। धन्यवाद। आपका परिचय सर? मैं डिप्टी कमांडेंट कृष्ण प्रकाश, मैं अभी बदोदरा एयरपोर्ट के सीआईएसएफ के चार्ज में हूँ। थैंक यू सर।